नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका स्वागत है आपके MW चैनल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं। किसको बोलते हैं इसको जानेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे और जितने भी मैंने पीछे आपको टॉपिक पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं तो जल्दी से उनको 1000 करा दीजिए। वैसे मैं कहता नहीं हूँ सब्सक्राइबर की, तो जल्दी से करा दीजिए, 5 ही तो रह गए हैं, कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अरे भाई क्यों कर रहा है, चलो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्विन, इसको हिंदी में लिख देता हूँ मैं, क्या बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है भाई, बहुत इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। देखो इस ट्विन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमको क्या देखना होता है, सबसे पहले आप जो कुछ भी पढ़ो ना उसके वर्ड को देखो, उसके शब्दों को देखो, उससे ही थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस ट्विन का मतलब क्या होता है दोस्तों, पेयर। क्या होता है पेयर, को कभी भूलोगे नहीं इसलिए ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर आप रट्टा मारोगे तो आप दूसरे को भी वीडियो देख सकते हो, ठीक है ना। इस ट्विन का मतलब क्या होता है दोस्तों, पेयर। पेयर यानी कि जोड़ा, ठीक है ना। अब जोड़े में कितने कितने अंक आ सकते हैं आप बताइए, दो ही आएंगे भाई, कितने आएंगे, दो आएंगे। यानी कि हमने मान लीजिए वो कौन कौन से होंगे, ए और बी होंगे। यहाँ पर ए और बी क्या होंगी, दो संख्याएं होंगी, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, एक और बार रिपीट करता हूँ कि इस ट्विन का मतलब क्या होता है, पेयर। यानी कि पेयर क्या हो गया, जोड़ा। और जोड़े में आप कितनी चीज़ों को देखते हो, आप दो चीज़ों को देखते हो। और यहाँ पर दो चीज़ें कौन से होंगे भाई, दो संख्याएं होंगी। और वो दो संख्याएं कौन सी होंगी दोस्तों, दोनों की दोनों क्या होंगी, वो दोनों अभाज्य संख्याएं होंगी। कैसे होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। अभाज्य संख्या बोले तो बताइए, प्राइम नंबर्स। देख लो यहाँ से भी आपको आइडिया हो गया कौन सी संख्या होंगी, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स होनी चाहिए भाई, मैंडेटरी है। वो क्या होनी चाहिए, दोनों की दोनों संख्याएं कौन सी होनी चाहिए, प्राइम नंबर्स होनी चाहिए दोनों की दोनों, ठीक है ना। यानी कि अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब अभाज्य संख्याएं कैसी होनी चाहिए, अब यहाँ पर दोनों की दोनों अभाज्य संख्या होंगी और वो दोनों कैसी अभाज्य संख्या होंगी कि उन दोनों संख्याओं में गैप कितने का होगा भाई, कितने का गैप होगा, उन दोनों संख्याओं में दो का गैप होगा, ठीक है ना। अब मैं रिपीट करता हूँ मैंने जितना भी आपको पढ़ाया, ठीक है ना। इस ट्विन का मतलब क्या होता है, पेयर। पेयर बोले तो हिंदी में बोलते हैं जोड़ा। जोड़े में आप कितनी चीज़ों को देखते हो, आप दो चीज़ों को देखते हो। यहाँ पर वो दो चीज़ें कौन सी होंगी भाई, दो संख्याएं होंगी। कौन सी दोनों संख्याएं होंगी, दोनों की दोनों संख्या अभाज्य संख्या होंगी यानी कि प्राइम नंबर्स होंगी दोनों की दोनों। और वो दोनों संख्याएं कैसे होंगी कि उनमें दोनों में कितने का गैप होगा भाई, दो का गैप होगा, ठीक है ना। अब मैं चलिए इसका एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ भाई, देखो एग्जाम्पल, जैसे कि 3 और 5। आप देख रहे हो ना भाई यहाँ पर दोनों संख्याएं कैसी हैं बताइए मुझे, दोनों की दोनों अभाज्य हैं और इन दोनों संख्याओं में आपको गैप कितने का दिखाई दे रहा है भाई, दो का गैप दिखाई दे रहा है। तो कौन सी होगी ये संख्या, ये हुई ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है ना। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो 5 और 7, देखो भाई दोनों की दोनों संख्याएं कैसी है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कौन सी संख्या है, दोनों की दोनों प्राइम नंबर है। देखो दोनों के दोनों प्राइम नंबर है ना, और इन दोनों संख्याओं में गैप कितने का है भाई, दो का है, तो इसलिए ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है ना। जैसे और बताइए कौन सी संख्या हो सकती है, 11 और 13 हो गए भाई, 11 और 13, ये भी क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। बताइए कैसे है, क्योंकि दोनों की दोनों संख्याएं कैसी हैं, यहाँ पर बताइए ना जनाब कौन सी दोनों संख्याएं, प्राइम नंबर है दोनों के दोनों, ठीक है ना। और इन दोनों संख्याओं में गैप कितने का है, दो का है ना, 11 और 13 में गैप कितने का है, दो का है, तो इसलिए ये वाली जो संख्याएं हैं वो कौन सी संख्या है, ट्विन प्राइम नंबर है दोस्तों। तो जब भी आपके एग्जाम में ये सवाल आता है, कोई भी आपको ट्विन प्राइम नंबर पहचानने को कहता है या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि इन दोनों की दोनों संख्या भाई कौन सी होनी चाहिए, जल्दी से बताइए, दोनों की दोनों संख्या है कौन सी होनी चाहिए बताइए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए यानी कि प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है ना। और फिर दूसरी बात आपको क्या देखनी है कि दोनों में गैप कितने का भाई, दो का है, तो ऐसे भी देखकर आप 2-3 ऑप्शन तो वैसे ही छोड़ दोगे, एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है ना। और देखते हैं भाई 19 और 21, 21 क्या प्राइम नंबर है, नहीं सॉरी
ये वाला नहीं है, 17 और 19। अब देख लो आप कैसे, ये दोनों प्राइम नंबर है और इन दोनों में गैप कितने का भाई, दो का है, सिंपल सी बात है। अब देखो और 29 और 31 हो गई, बताइए ये दोनों जो नंबर हैं प्राइम नंबर है, हाँ भाई हैं, इन दोनों में गैप कितने का भाई, दो का है, तो इसलिए कौन से नंबर है भाई बताइए जल्दी से, ट्विन प्राइम नंबर है भाई, ट्विन प्राइम नंबर है। दोनों संख्याएं कैसी हैं भाई, प्राइम नंबर है, ठीक है ना। अब देखिए 41 और 43 हो गए भाई, 41 और 43 कैसे हैं बताइए जरा कमेंट सेक्शन में उसको, क्योंकि दोनों की दोनों अभाज्य संख्या हैं यानी कि प्राइम नंबर। अगर आपको पता नहीं है ना कि प्राइम नंबर कौन सी, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो मेरी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है उस पर, उसको जाकर देख सकती हो। और मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ कि दोस्तों प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो एक से कटे और स्वयं से कटे, जो एक से कटे और स्वयं से कटे, मतलब एक को छोड़कर, ठीक है ना, यानी कि एक को छोड़कर ऐसी सभी संख्याएं हैं जो एक से कटे और स्वयं से कटे, जैसे कि 2 हो गई, जैसे कि 3 हो गई, जैसे कि 5 हो गई। अब बताइए ये वाली जो संख्या है ये कैसी है, देखो ये एक तो एक से कट रही है सभी की सभी, और एक स्वयं से भी कट रही है, ठीक है ना, एक से कट रही है ना, देखो कट रही है दो, एक स्वयं से कट रही है, 2 × 1 = 2, एक से कट रही है और स्वयं से कट रही है, ठीक है ना, इट सेल्फ कट रही है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप, सिर्फ एक को छोड़कर। एक क्या है, प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है ना। थोड़े एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको यहाँ पर, जैसे 11 हो गया और 13 हो गया और 19 हो गया और 17 हो गया, ऐसी संख्याएं क्या हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं दोस्तों, ये एक से कटेंगे और स्वयं से भी कटेंगे, ठीक है ना, इसको छोड़ देना, एक को अलग अलग कर देना भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम चल रहे थे अपनी गाड़ी को, यहाँ पर ही लेके आते हैं। दूसरा देख लिए 59 और 61, और बताइए 71 और 73, ये दोस्तों ये क्या है, ये 1 से लेके 100 तक की संख्याओं के बीच टोटल ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि 1 से लेकर 100 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, तो कितना जवाब दोगे आप, गिन लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने होते हैं टोटल ट्विन प्राइम नंबर, कहाँ तक, 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं, जल्दी से बताइए, 8 होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं, 8। तो पहला क्वेश्चन आप, अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 से लेकर 100 तक के बीच संख्याओं में कितने ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं, तो क्या जवाब दोगे आप, कितने होते हैं भाई, 8 होते हैं, सिंपल सी बात थी, ठीक है ना। और ये एग्जाम्पल आपको दिखते हैं, और मैंने आपको बताया कि आपको अगर क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आपको दिखता है और आपको ऐसे ऑप्शन दे रखे होंगे वहां पर, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि वो दोनों संख्या जो है अभाज्य हैं कि नहीं, सबसे पहले आपको ये देखना है। फिर आपको देखना है, क्या देखना है कि दोनों संख्याओं में 2 का अंतर है कि नहीं, सबसे पहले ये चेक करना, सवाल को मत पढ़ना भाई, अगर वहां पर क्या दे रखा है, ट्विन प्राइम नंबर दे रखा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन देखने हैं, सवाल मत बैठना करने मत बैठना, ठीक है ना, सबसे पहले आप ऑप्शन देख लो ना, ठीक है ना। दोनों ऑप्शन में क्या होगा, दोनों की दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और उन दोनों संख्याओं में कितने का गैप होना चाहिए भाई, 2 का होना चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप आप कितने समझ में आ गया होगा, जल्दी से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना। ट्विन प्राइम नंबर्स यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या हिंदी में बोलते हैं, ट्विन का मतलब क्या होता है, पेयर, पेयर यानी कि जोड़ा होता है, जोड़ा में कितनी संख्या होती है, 2 होती है, और वो दोनों संख्या कौन सी होंगी, दोनों की दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए, 2 अभाज्य संख्या होंगी, ठीक है ना, दोनों की दोनों कौन सी संख्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी, और अभाज्य संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं, और इन दोनों अभाज्य संख्याओं में कितने का अंतर होगा, कितने का गैप होगा भाई, 2 का होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये वाली मैंने संख्या बताई, 1 से लेकर अगर आपको पूछता है कि 1 से लेकर 100 तक की 20 संख्याओं में कितने ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं, तो क्या जवाब दोगे भाई, 8 होते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन दिखता है तो सबसे पहले आपको ऑप्शन चेक करने हैं, ऑप्शन में क्या चेक करना है कि जो हमको पेयर दे रखा है उनमें क्या दोनों जो संख्या है वो अभाज्य संख्या है कि नहीं, और उन दोनों अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर दे रखा है कि नहीं, सबसे पहले आप ये चेक कर लेना, इससे क्या होगा आप थोड़े बहुत ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, 1K जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत।